नहीं लगता मुंबई सिटी में, चाहे वो मुंबई हो या दुनिया हो, सबसे ज्यादा जो चीज अहम होती है वो है पैसा। जी हाँ दोस्तों, मनी इज एवरीथिंग, बिकॉज हम रहे या न रहे मनी जरूर रहता है। सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल थ्रिल लेडीज एंड जेंटलमैन, द कंप्लीशन ऑफ द फिल्म ऑफ कबाड़ द कॉइन। पैसे की बात आती है तो मन तो दौड़ता है इस तरह उस तरह, लेकिन ये जो ब्यूटीफुल थ्रिलर कॉन्सेप्ट है जो हमारे राइटर साहब लाए हैं बिल्कुल बेमिसाल है। पहली बार दोस्तों बॉलीवुड में ऐसी फिल्म आ रही है जो बेस्ड है ऑन द वेरी फेमस और जो हमारा रिच हेरिटेज है, द राम सिया कॉइन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसके कास्ट राइट फ्रॉम एवरीवन जिन्होंने अपने अपने किरदार निभाए हैं बहुत ही बेमिसाल है। आई नो हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार हो, इट्स टाइम फॉर अस टू वेलकम एंड थैंक आवर प्रोड्यूसर्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे और आपकी मम्मी भी आई थी खास सेट्स को देखने के लिए, वो बहुत रत्ना जी आए थे कि ये किस तरह से करा और इन्हें 3 महीने लगे सारी पहचान बनाने के लिए और कैरेक्टर में घुसने के लिए 3 महीने इन्होंने मेहनत की थी। ठीक है, द फील ऑफ दैट। सर हम आपसे और बातें करेंगे, बट इट्स टाइम फॉर अस लेडीज एंड जेंटलमैन टू मीट आवर रेस्ट ऑफ द क्रू एज वेल। मे वी प्लीज पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर भगवान तिवारी जी, who's a very renowned actor, known for a Wednesday, Rais, and Special 26. And Vivaan Shah, of course, as we all know, ki debut film thi Saath Khoon Maa, post which, of course, he was very, very, he had a great role in Farah Khan's film, Happy New Year. And in this, he's the main protagonist. Can we please invite Bhagwan? Okay, can we please invite the very lovely and the gorgeous, our beautiful Miss Cynthia Femina, Indore 2013, and she's won so many beauty pageants after that, and a very renowned actress, Zoya, of course. So let's welcome her Miss India International 2013 और इनकी फिल्म्स के बारे में तो माशाल्लाह क्या कहूँ, इतनी सारी फिल्म्स की हैं। She's also worked with none other than Aishwarya Bachchan, Salman Khan, Saif Ali Khan, Karishma Kapoor, Zoya, you're looking absolutely stunning as ever. Truly a pleasure to have you here. And we also invite जरूरत है क्योंकि हम हथकड़ी वालों को हम हर दिन दिन ब दिन हम देखते रहते हैं सड़क पे, लेकिन उसको ऑब्जर्व करना और उसको ठीक से ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट करना वो आई थिंक मेन इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीज वो थी कि उसको कैसे उसको स्क्रीन पे दिखाया जाए। और तो एक्टर को हालांकि आई थिंक ऑन ऑफ नहीं कर सकता है, उसको उसकी जीवन जीनी पड़ती है, जो कबाड़ी वाले की जो जीवन है तो उसको जीनी पड़ती है और वो समझनी पड़ती है। तो आई थिंक बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन, एम्पैथी, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर, ऑफ जो कैरेक्टर की जो जिंदगी है उसकी जिंदगी में उस पर क्या क्या बीतती होगी, उसके क्या स्ट्रगल्स हैं, उसकी क्या परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो वो सब चीज़ें समझने में, क्योंकि जैसे शहजाद भाई ने बोला ये फिल्म बेसिकली एक पैसे की साइकोलॉजी के बारे में कि पैसे का क्या असर होता है इंसान पर और खास करके गरीब इंसान पर, उस पर जो मारधार होती है हमारे यहाँ दुनिया में पैसे के लिए एक युद्ध जैसा हो गया है, तो वो आई थिंक जो थीम है फिल्म की उसके बारे में, जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो सब उनके अलग अलग डायलेमास हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स, अलग मोटिवेशन हैं, वो पैसे के लिए उनको क्यों ज़रूरत है। जैसे आपको आप एक मोची हो तो हम सबको अलग अलग रीजन हैं जिसके लिए हम ये कॉइन के पीछे पड़े हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग थीम है इस फिल्म में। थैंक यू, देखते हैं किसे मिलता है ये कॉइन। जोया एक ट्रायंगल प्ले कर रही है, जोया प्लीज इसके बारे में, लव ट्रायंगल है यार जोया, हाउ रोमांटिक आर यू इन द फिल्म, मूवी थ्रिलर फिल्म है। बिल्कुल मेरे लिए डेफिनेटली एक लव स्टोरी है एंड स्पेशली जो लड़कियां हैं डेफिनेटली द वन थिंग दैट दे सर्च फॉर इज लव दैट कम्स फर्स्ट, money definitely comes second, so romance
ये भी वही है. पहली बार जब मैं वर्धा सर से मिलने गई, मैं किसी और कैरेक्टर के लिए मिलने गई थी सरिता की रोल के लिए, एंड मुझे बताया गया था कि वो एक चौड़ की लड़की है. और मैं जब मिलने गई मुझे ऐसा लगा कि बहुत एक अलग कैरेक्टर होगा, मुझे प्ले करने का मौका नहीं. बट जब मैं उनसे मिली वापस घर आई, तो एक दिन बाद आई मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल किया और कहा कि सर चाहते हैं कि आप रोमा का किरदार जो मेन है वो प्ले करें. सो दो मिनट के लिए आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड हैप्पी एंड सरप्राइज एट द सेम टाइम. एंड इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अगर एक एक्टर को एक बेहतरीन लेखक के साथ काम करने का मौका मिले, एक बेहतरीन कास्ट, बेहतरीन क्रू के साथ काम करने का मौका मिले, आई थिंक एक एक्टर यही चाहिए. सो आई हैड एन अमेजिंग टीम एंड आई हैड एन अमेजिंग जर्नी. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दैट. थैंक यू. हमारे स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू अभिषेक. कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर. हाउ डिड यू वर्क ऑन दैट? I actually got a lot of help from everyone, from Vardhraj Swami sir, from Shehzad sir, from a lot of people. Like everybody really, really helped me to get the body language and also the speech of the Kabaddiwala. Like the way they behave, the way also the customs. Like for instance, the way he handles the bhangar, the kabad, the way things are placed, the way the cart, the hathgadi is pulled. So बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे nuances में मैंने अपना observation भी use किया और बहुत सारा मदद भी मिला काफ़ी सारे लोगों से. there was a lot of preparation and workshop, and it's also just being the character, trying the level best to be the character, and not, as I said before, you can't switch on and off in such a character. You have to literally live his life, and that's the most you have to live the character's life to such an extent where you're not acting. Did you just think being. It was a very difficult role for a romantic hero to do this film? No, it's a difficult role for anyone to do this film. It's a difficult role when you have to do a character that's outside of your experience. Because I've never been a Kabaddiwala in my life, but I've seen Kabaddiwalas all through my life. So it's acting is all about empathy and compassion. And it's all about trying to truthfully and honestly render somebody else's life through your own eyes. That's the. How was it like working with the? It was fantastic, yeah. These two guys are so much fun. We just had a blast on the set all the time, and it is really like, and that's the thing, you know, the most important thing in the performance is the actors you get to perform with, and you bounce on their energy. Correct. And you get so much from. I got so much from these guys. I learned a lot so much working with them, and had a blast working with them. Your father is a thespian, so would you follow in his footsteps in the future? Oh yeah, we do a lot of theatre. We keep doing theatre. Theatre to hamara chalta rehta hai. That is the we keep doing theatre. So theatre is a very important part of my life. You meant that, no? That by thespian, yeah. Can I ask you a controversial question? What? After the spat between your father and. We're not taking this question. How do you see the going on? I actually am not familiar with the spat. But I think it's important for every citizen who cares about the country to raise their voice and, you know, proclaim their love for the country, because the people that are protesting and the people that are raising their voice against this issue are doing it because they are concerned and they love the country. So I think it's important for everyone to realize that it comes from a place of deep love of the country. It's not anti-national. In fact, it is completely patriotic. Everyone that's protesting, I think, is doing it out of immense patriotism and of love of the country. कास्टिंग में तकलीफ तो आनी ही थी, इसका आभास हमें पहले ही से था, और ये हमें पता भी था कि जिस तरीके के कैरेक्टर को लेकर के हम रन करने वाले अपने सब्जेक्ट में और फिल्म बनाने वाले हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है. पर विवान को लेकर के मुझे एक पहले से ही विश्वास था कि विवान को अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो वो ज़रूर करेगा, और विवान हमारा प्रायोरिटी बेस में पहला चॉइस था, और लास्ट में भी यही हुआ कि जब विवान को हमने नरेशन दिया तो विवान ने हाँ बोला. पर विवान की एक सबसे अच्छी बात थी कि हमने सोचा था कि जिस किसी ऐसे कैरेक्टर लोगों के पास नरेशन करते थे तो वो बोलता मैं हाथगाड़ी वाला हूँ, क्या मैं हाथगाड़ी बनूँगा, आई एम हीरो. पर विवान को जब नरेशन दिया तो बोला सर मुझे प्रिपरेशन में टाइम लगेगा और मैं टाइम लूँगा कि ये हाथ गाड़ी जो कबाड़ वाले हैं वो कैसे
जीते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके का इनका बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर पोस्चर क्या है, बात करने का अंदाज क्या है, और फिर हमने जो एक प्रोसेस बनाया था लिखते समय, हम और शहजाद अहमद जो हमारे साथ थे, तो हम दोनों ने मिल करके जो जिस प्रोसेस से रिसर्च के दौरान गुजरा हुआ थे, वो प्रोसेस हमने विवान को दिया और उसको फॉलो करा, विवान ने उसको एडॉप्ट किया। इवन मतलब इसमें आपको सच बताऊं तो कि हमें बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना पड़ा विवान का, जब ये 3 महीने के बाद हमारे रिहर्सल पे आया तो बिल्कुल इसने अपने स्किन को भी चेंज कर दिया। ये तो ये कास्टिंग में जो एक बेसिक ऐसे जब आप इस तरीके के कैरेक्टर के लिए सोचते हैं और इस तरह के कैरेक्टर को अडॉप्ट करते हैं तो प्रॉब्लम तो आती है। उसमें है कुछ लोग जो हैं इंडस्ट्री में वो ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, उसमें से विवान मेरे ख्याल से नंबर वन पे आज के। विवान, आपने इस कैरेक्टर को निखारने के लिए कितना वर्क किया और कितना प्रिपेयर किया अपने आप को, कितनी मेहनत लगी आपको? मेहनत आई थिंक वो लगी तो सही, लेकिन बहुत मज़ा आया उस मेहनत करने में। आई थिंक सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब आप बहुत मेहनत करते हो किसी चीज़ पर, वो जो तसल्ली मिलती है मेहनत करने के बाद, बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है। आई थिंक जो उसमें बेसिकली डे बाय डे हम जो सीन्स करते थे, जहाँ पे जो भी उसके प्रॉप्स हैं, या तो हथगड़ी है जो, या उसका छोटा सा कमरा है जहाँ पे रहता है, तो उसको इनहैबिट करना, उसको समझना और उसको ठीक से स्टडी करना, वो आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन रही। और फिजिकली और साइकोलॉजिकली भी चैलेंजिंग था, लेकिन एज आई सेड बहुत मज़ा आता है ऐसे चैलेंज को निभाने में। जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी और किरदार के लिए मिलने आई थी, बट जब सर ने कहा यू नो ही वांट्स टू ही सॉ रोमा इन मी, अब सर ही बता सकते हैं क्या उन्होंने मुझमें देखा रोमा, बट आई फील जो कैरेक्टर है, जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे, इट्स ईदर ब्लैक और ईदर वाइट, ये बुरा आदमी है या विलन है या ये अच्छा आदमी है, ये जो किरदार है इट्स वेरी ह्यूमन। रोमा का किरदार है या जो भी बाकी किरदार है, उन्होंने गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में, वो किसी से प्यार भी करते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिनका उन्हें रिग्रेट भी है। सो बहुत ही रियल कैरेक्टर है, बहुत लेयर्स है, और ख़ास करके लड़कियों को ऐसे किरदार बहुत कम मिलते हैं जिनमें वो अपनी कला दिखा सकें। सो जब ये किरदार मेरे पास आया, सो आई लिटरली बाउंस्ड एट इट, आई रियली वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और जैसा मैंने कहा, बहुत मुश्किल से यू नो मुश्किल या एक अच्छा लेखक मिलना एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर ने ऑलरेडी कैरेक्टर पे इतना काम कर लिया था कि हमें यू नो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। इनफैक्ट सर हमें ये तक बताते थे कि एक एक लाइन के पीछे उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, अगर एक लाइन भी कह रही है रोमा, उसके पीछे वो पूरा एक पैराग्राफ बता देंगे कि वो क्यों कह रही है। सो आई थिंक वो बहुत हेल्प हुआ उससे, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड आई रियली एंजॉयड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट स्पेशली। जोया जब जोया 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 आई मेरे से मिलने के लिए, तो उस समय मैं बहुत जद्दोजहद से गुजर रहा था, मैं मतलब हम लोग एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे थे जिस तरीके के लिए कि रोमा को ढूंढ रहे थे अपने, और जितना उसमें कलर भरा हुआ था, वो रोज़ लड़कियां आती थी, रोज़ हीरोइंस आती थी, कुछ बड़े भी नाम हैं जिनसे मिलने के लिए गए थे, पर उसमें वो रोमा मिल नहीं पाई, और ये आई तो मेरे पास, तो ऐसे ही मैंने टेकन प्रोग्राम कोई आई होगी यार अभी क्या करना है, तो मैं अंदर काम कर रहा था अपने दूसरे वाले रूम में, वहाँ से शहजाद आकर बोला कि एक लड़की आई है जोया नाम है, मिस इंडिया रह चुकी है और इसने तो एक्सपोज किया हुआ है हिमेश सानिया जी के साथ, बोले अच्छा ठीक है बैठो मैं आता हूँ, आया तुम देखा, उसके बाद मैं 2-3 मिनट तक इसको देखा, उसके बाद इससे कोई कैरेक्टर के बारे में बात नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की उलूल जुलूल बातें करता रहा, यहाँ की बात वहाँ की बात वहाँ की बात कहाँ की हो कैसे इधर उधर, मतलब इवन की बहुत तरीके की बातें, धर्म मजहब तक की बातें। उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं बुलाऊँगा, मैं बताऊँगा आपको, बताऊँगा,
और उसके बाद फिर मैं पूरी रात सोचता रहा। फिर रात को मैंने शहजाद को बताया कि यार जिस रोमा को खोज रहे थे ना, वो रोमा का झलक इस लड़की में है और इस पर थोड़ा हम और मेहनत कर रहे हैं ना कि ये 100% अडॉप्ट कर लेगी। तो अब भी मैं ये कहूँगा कि जोया की कास्टिंग रोमा के लिए डॉट टू डॉट मतलब कास्टिंग और अपने कैरेक्टर में ये 100% फिट है। डायरेक्टर साहब से मैं एक प्रश्न है कि आप कपार्ट द पॉइंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत कम फोकस जाता है कम लोगों का, उस सब्जेक्ट के लिए आपको कहाँ से पहली फीलिंग कहाँ से आई, सोच कहाँ से आई लिखते हुए? देखिए संवेदना को लेकर के जब आप एक ऐसे ड्राई कैरेक्टर जो कि सोचने वाली ये बात है कि आप सड़क पे जा रहे हो और आपके सामने एक हाथ गाड़ी वाला गुजर जाता है और आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कुछ भी जरा सा भी नहीं फर्क पड़ता कि आपके सामने से कोई गया जो भी हाड़ मांस का एक शरीर था या उसके पास कोई इमोशन था। तो ऐसे कैरेक्टर बिल्कुल आप में से कोई भी आदमी, मैं हर किसी को बोलता हूँ कि आप कि हर किसी के सामने से सड़क पर कभी ना कभी एक हाथ गाड़ी वाला तो जरूर ही गुजरा होगा, लेकिन आप खुद ही अपने आप से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मेरे बगल से गुजरा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा इस बात का। क्या वो हाड़ मांस का नहीं था, कोई रोबोट था? उसका घर परिवार नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, वो रहता कैसे, खाता कैसे, उसके जूते को कभी देखा क्या, उसके पैरों को देखा, कितने जगह जख्म है, कितने जगह कटा फटा है। तो संवेदना वहीं से शुरू हो गई थी। और मैं रेस कोर्स से आ रहा था, एक ऐड कर रहा था मैं रेस कोर्स में, वहाँ से शाम को ऐड करने के बाद वहाँ से लौट रहा था, तो रास्ते में मैं लक्ष्मी महालक्ष्मी जो स्टेशन है वहाँ पे एक हाथ गाड़ी वाले को पूरा सामान से भरा हुआ पहिया टूटा हुआ और वो खींच रहा है और लोग जा रहे हैं लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रहा और लगातार वो इसी प्रयास में है। फिर मैं पहुँचा, मैं अचानक रुक गया, देखा कि एक हाथ गाड़ी वाले की पहिया टूटा हुआ है और कोशिश कर रहा है। फिर उसको धक्का दे करके मैं साइड में ले गया, उसको बैठाया, बहुत मुश्किल से उसके जुबान से एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन पा रहा था कि वो एक सेंटेंस बोल पाए, लेकिन वो आधे सेंटेंस में भी जो बोल रहा था वो अपने आप में पूरी नॉवेल की तरह है। अगर देखा जाए तो एक पूरी किताब लिख दी जाएगी। मतलब कैसे टूटा, मतलब वो कील निकल गया, खत्म, बात खत्म। कहाँ रहते हो? वर्ली चौल में, मतलब उसके लिए वर्ली चौल वहाँ से 5 किलोमीटर है, लेकिन वो उसके लिए ऐसे लग रहा है जैसे वो छलांग मार के चला जाए। जिंदगी कैसी है, सोचने वाली बात है। और पहिया टूटा हुआ है और मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा हेल्प करना नहीं, आप मैं लगा लूँगा। तो कैसी जिंदगी है, कुछ खाया, बड़ा पाला दूँ? नहीं, मेरे पास है, जबकि कुछ नहीं है उसके पास। तो वहाँ से वो संवेदना शुरू होती है और फिर वो धीरे 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 कंटिन्यू हमारे अंदर, मैं मतलब एडॉप्ट हम करते जा करना शुरू किया हमने। और फिर कबाड़ी वालों को से मिलना, उनके पास जाना, उनको ढूंढना, उनसे मिलना, उनकी ज़िंदगी को समझना, होते 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 मतलब एक कमाल की, मतलब इसको बोलेंगे कि वो स्टोरी जो अनटच्ड नहीं बल्कि आपके पास से रोज गुजरती है और आप जान रहे हो और नहीं भी जान रहे हो। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, आई प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ अ कॉलेज बॉय हु वाज कंपेटिटिव एंड हु एनवीड टाइगर भाई। Competitive feeling, it was a normal regular guy, though he was never a bad guy. But this character Sam, he is fearless, he's courageous, he's dominant, he's money minded. I would say he's a devil in disguise. तो वो सोचता ही पैसों के बारे में है. He doesn't respect anybody except money. He's greedy, he wants more and more. He thinks about himself only. And he's a drug addict, he's from Goa. And to play all these characters, all with these traits, it's such a challenge for me, because the thing is, I'm not a person like that. And I have never been with a person who is drug addict. And myself, I don't like smoking, I don't like drinking, I don't like all these things. So for me, it was a challenge. And when I spoke to Radhra ji, to unhone mujhe pura explain kiya ki aisa character hoga. Kahin kahin hume इतना एक्सप्लेन किया कि वो पूरा डेटा इन्होंने अंदर डाल दिया तो वो ईजिली बाहर आया। एंड मैंने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी ड्रग एडिक्ट्स पे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती, क्योंकि मैंने कभी किसी को देखा नहीं, तो आई वाज सपोज टू, मुझे देखना बहुत ज़रूरी था, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी था कि कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज है।
मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखी. देन गोवा का था, दो स्क्रिप्ट में हिंदी थी, बट आई वॉन्टेड कि गोवा के कहीं ना कहीं वो एक रूट्स रह जाती हैं, आपका एक डायलेक्ट में आता है. तो वो मैंने अपने फ्रेंड से बात करी जो गोवा से थे. देन मैंने शाहरुख सर की मैंने फिल्म देखी जोश, उसमें भी कुछ वो गोवा बेस्ड थी पूरी फिल्म. तो मैं जो जो अच्छा लगा मैंने वहाँ से ले लिया. तो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर फॉर द रोल. एंड मैं कर रहा था, आई एम अ पर्सन व्हेन आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर आई स्टार्ट लिविंग द कैरेक्टर ऑन द सेट, ताकि वो जो नुएंसेस हैं, जो कुछ हरकतें हैं, वो आप में आने लग जाएं. वो इट बिकम्स वेरी इजीली, इट कम्स नेचुरली टू यू. देन पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी लाइक ज़ोया सर, ये सैम है, ये सैम ही है. मैं सैम नहीं हूँ, मैं सैम ही नहीं. सैम है सर, वो पीछे पड़ गए सैम है, यही है लड़का, यही ड्रग एडिक्ट है. मैं ज़ोया के साथ मेरे काफ़ी सीन रहे हैं. तो आई से इट अ रैप, ओके ठीक है. विद ज़ोया अफरोज हमने चिलिंग करी हर रोज, खाने का भी रखा ध्यान, खाने का भी रखा ध्यान, एक्टिंग का भी बांटा हमने ज्ञान. फिल्म में नाम है इसका रोमा, बट वर्किंग विद हर वॉज नॉट एट ऑल अ ट्रॉमा. एंड विद विवान हमें ऐसा लगा ही नहीं हम को एक्टर हैं. मैं इस फिल्म में तो अलग ही हमारी केमिस्ट्री है, बट ऑफ स्क्रीन हमारी केमिस्ट्री बहुत ही अलग है. वी आर लाइक ब्रदर, वी आर लाइक थिक फ्रेंड्स. वी अच्छी हमारी बॉन्डिंग बनी. हमने डिस्कस किया है सीन के बारे में. ही इज अ वेरी ग्रेट एक्टर एंड ही गेव मी स्पेस ऑल्सो. एंड वी हमने जो भी इम्प्रोवाइज करना था होता था तो हम एक दूसरे को स्पेस देते, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर. तो वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही हमारी. कहानी बहुत अच्छी है और जिस रियलिस्टिक फिल्म के लिए हमारी पहचान हम जाने जाते हैं, मुझे लगता है हमने कोशिश की है. विवान और अभिषेक और जोया और अतुल जी या इमरान हसनी इवन भगवान तिवारी, इन सब ने यशस्वी, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया है. विवान आउटस्टैंडिंग, बहुत ही मतलब ये जितना रियल लाइफ में चॉकलेटी दिख रहा है बिल्कुल अपोजिट एकदम, मतलब अनबिलीवेबल कैरेक्टर को अडॉप्ट करके और एकदम इसके अंदर स्पार्किंग, जैसे लगता है किसी ने इसके अंदर वो एक पलिता बम, मतलब एक वो लगा दिया, वो कोई अंदर में मशीन डाल दिया. तो किया है सबने, अच्छा काम किया है. फिल्म रियलिस्टिक जोन की है और बहुत इंटरटेनिंग है, ट्राई नहीं है. और इसका इसके बेसिक एक लाइन में बोलूं तो, प्यार के लिए पैसा या पैसे के लिए प्यार, और इसके इसी के बीच में कहानी है. बहुत मतलब बहुत छोटे में निचोड़ करके बोलूं तो इतनी सी बात है. बाकी ये है कि पूरी दुनिया में आज पैसे की जिस तरीके से होड़ मची हुई है और सबको लग रहा है, यूथ को भी लग रहा है, सबको लग रहा है कि यार बिना पैसे का कुछ भी संभव नहीं है और हर काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए. प्यार हो या किसी भी तरीके के इमोशन तक पहुंचने के लिए आपको पैसे की ही ज़रूरत पड़ेगी, और बिना पैसे का वो नहीं हो सकता. तो ये एक अलग मैटर है कि बिना पैसे की आपकी ज़िंदगी इतनी खुश रहती है, नहीं रहती है, आप क्या कर पाते हैं. ये फिल्म में हमने इस बहस को छोड़ दिया है, जो कि आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए और आपको मज़ा भी आ जाएगा. पर ये सच है कि पैसा कहीं तो फैक्टर है लाइफ. एक क्वेश्चन में विवान से पूछना चाहूंगी. विवान, आप जैसे हीरो जो मेन लीड प्ले करने के लिए हैं, और आपको अजीब नहीं लगा कि आप हाथ गाड़ी यानी कबाड़ वाला प्ले कर रहे हो? नहीं, ऐसा किरदार बिल्कुल नहीं अजीब लगा. और वो इनफैक्ट जो भी कैरेक्टर अपने एक्सपीरियंस के बाहर है वो सबसे आई थिंक कमाल का कैरेक्टर होता है प्ले करने के लिए. जैसे इसके पहले मैंने एक और फिल्म में एक दलित का कैरेक्टर प्ले किया था बिहार में. मैं कभी बिहार गया नहीं हूँ और कभी बिहार के बारे में बहुत कुछ छोटा जानता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन बहुत सीखने को मिला. तो ये एक एजुकेशनल प्रोसेस होती है कि एक्टर को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तजुर्बा मिलता है ज़िंदगी के बारे में, सिर्फ अपनी कला के बारे में नहीं. लेकिन जैसे भद्राज सर ने कहा कि जो कबाड़ी वाले की क्या कहानी है, जो हर दिन हमारे सामने से गुजरता है, उसकी क्या कहानी है, उसकी क्या इच्छा है, उसके क्या सपने हैं. तो ये सब चीज़ों में आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो, नॉट जस्ट एज एन एक्टर,
it's important to explore that and to think about. विवान की एक सबसे वो थी कि इसने मुझे पहले ही बोला था कि कोई ऐसा करैक्टर जो मैं मेरे लाइफ से अछूता मैं वो करना चाहता हूँ. अब ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी है. एक विवान की नहीं बल्कि इनके फैमिली का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इनके डैड भी इनके वो कैरेक्टर किया है जो शायद सोसाइटी का इशू हुआ है अनटच्ड कैरेक्टर. तो विवान ने फॉलो किया है उन चीज़ों को और मुझे लग रहा है कि मैं विवान से ये कहूँगा कि लाइफ में भी इस तरीके की कोशिश को जारी रखें. कोशिश को आई थिंक सबको रखनी चाहिए. आई थिंक एज ए समाज एज ए सोसाइटी हम सबको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे स्तर से नीचे हैं उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है. कि खास करके अमीर लोग नहीं सोचते हैं हमारे जो एसी गाड़ी में चलते हैं वो जैसे आपने बोला हाथ गाड़ी के बारे में सोचेंगे भी नहीं. तो आई थिंक जनरली ऑल ऑफ अस कलाकार की तरह और इंसान की तरह हमारी इंसानियत कैसे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और कैसे बढ़ाना चाहिए. कि सबसे पहले कैरेक्टर क्यों पसंद आया और क्यों मन किया. तो पसंद इसलिए आया कि बहुत चैलेंजिंग था जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था. और मेरे लिए इसलिए मुश्किल था कि ख़ास इसमें कारण था जो उसकी साइकी और जो उस कैरेक्टर की जो वो मोची है और जिन जिन चीज़ों से गुजर रहा है वो इतना मुश्किल नहीं था. उसको तो मैं स्टडी करूँगा एक्टर का काम है. लेकिन मैं चूँकि इस मामले में थोड़ा कमज़ोर हूँ किसी भाषा को जल्दी मैं सीख नहीं पाता हूँ. तो इतने साल यहाँ रहने के बाद भी मैं मराठी में बहुत अच्छा नहीं हूँ. तो ये मेरे लिए सबसे मुश्किलात थी. तो इसमें मुझे मदद बहुत करी मेरे डायरेक्टर ने और मैंने भी थोड़ी मेहनत करी तो इसलिए मैंने ये करेक्टर तुरंत ले लिया. क्योंकि मुश्किल है और फिल्म अच्छी बनेगी मैं अच्छा करूँगा लोग देखेंगे तो इससे मेरा फ़ायदा है मेरी तारीफ़ करेंगे. तो हम थोड़े से स्वार्थी हैं लेकिन हाँ मेहनत करने के बाद. हाय मेरा नाम यशस्वी है. हाय मैं सविता का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ इस फिल्म में. सविता एक आम लड़की का कैरेक्टर है जो सपने तो देखती है पर उसे पूरे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते लेकिन ज़िद ज़रूर होती है और पूरा सपोर्ट होता है अपने डैड का जो उसके लिए दिन रात मेहनत करते रहता है. सविता एक ऐसी लड़की है जो हम अपने समाज में हमेशा देखते हैं जिसे किसी से प्यार है लेकिन शायद वो प्यार उसका नहीं हो सकता. तो ऐसी लड़कियाँ हम रोज़ाना देखते हैं. उसकी एक कहानी है जो इस पैसे के चक्कर के साथ मिली हुई है जो आपको देखने को मिलेगी थिएटर में बहुत जल्दी. मैं इसमें बादशाह खान के नाम से कैरेक्टर कर रहा हूँ जो डॉन है. और ये कोई टिपिकल डॉन नहीं है जैसा कि फिल्मों के अंदर देखा होगा कि वो सिगार लेके बैठा हुआ है और ऐसे करके बोल रहा है. वो सब ऐसा नहीं है. बिल्कुल रियल लाइफ में जिस टाइप के ये सचमुच में ये जो डॉन होते हैं या रहे हैं जैसे और भिंडी बाज़ार और डोंगरी का उस जगह का तो उसको करने के लिए जो हमने तैयारी करी थी सारी जाके मिले वहाँ लोगों से मिले वहाँ के नुएंसेस लिए हमें हमारे डायरेक्टर ने जो तैयारी कर रखी थी उन्होंने अपनी शेयर करी उन लोगों ने उसको मिला के करा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कहीं नहीं चाहता है. हर किसी की इच्छा होती है हर किसी के सपने होते हैं और उसी तरह हमारे भी सपने होते हैं कि हम भी पैसा कमाएं. पर इसकी असल बात ये होती है कि उसको किस तरीके से हम देखते हैं. दरअसल होता क्या है कि हम राइटर होते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं. हम सब्जेक्ट को लेकर इतना डूब जाते हैं कि फिर उसके अंदर चले जाते हैं और कबाड़ दो कहीं जैसी एक स्क्रिप्ट को लेकर चले जाते हैं जिसके बारे में आप हम लोग सामने हैं और उस पर बात कर रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू भाई. थैंक यू. बहुत अच्छी फिल्म है और टीम बहुत अच्छी है. बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी टीम बहुत बढ़िया है कि जिससे हमें बहुत सपोर्ट मिला और हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था मगर सर ने हमें बहुत कुछ समझाया और सर की वजह से हम यहाँ चले. सर थैंक यू पहले तो आपको. जी आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छी कास्ट है बहुत अच्छी टीम है आपके डायरेक्टर बहुत अमेजिंग है इतना अच्छा काम किया तो कैसे आप क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? चैलेंज मैम डायरेक्टर साहब का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था हर तरीके से लोकेशन में हो चाहे शूटिंग करने में हो चाहे जो हमारा एक टारगेट था कि इस बजट के अंदर हमें काम करना है. सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था कि हमारे पास एक बजट था ना उस बजट के अंदर काम करना मुंबई जैसे शहर में. फिर मेरे जो नेगी जी हैं इनकी तरफ से भी मुझे बहुत हर जो भी मुझे कुछ फेस करना पड़ता था वो ये कर लेते थे. मैं कोई भी बात आती इन पर डाल देता और ये मुझे सपोर्ट करते.
यहाँ पर फिर मेरे पास डायरेक्टर साहब थे, इनके सामने मैं मेरी बातें रखता कि देखो ये चीज़ें हो रही है, तो ये मेरे को आगे कर देते। तो इनके सपोर्ट की वजह से ये बहुत कम टाइम में हमने ये काम किया है। और एक चैलेंज वाली चीज़ ये है कि आप 40 से 45 दिन का शेड्यूल बना के अगर आप 35 दिन में वो काम कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात होती है भाई। अगर मुंबई जैसे शहर में बड़े कमाल के हो रही कि